दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं धर्मिंदर शाह, LIC फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों 31 जनवरी को सारे प्लान क्लोज़ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को पता चल गया है और काफ़ी लोगों को पता नहीं है। दोस्तों 31 जनवरी को सारे प्लान LIC ऑफ इंडिया क्यों क्लोज़ कर रही है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद जो प्लान लॉन्च होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगा इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। दोस्तों 31 जनवरी को LIC ऑफ इंडिया प्लान इसलिए क्लोज़ कर रही है क्योंकि IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलप अथॉरिटी जो है, जो कि सभी इंश्योरेंस की देखरेख करती है कि कोई मिसलीड तो नहीं कर रहा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रहा है मार्केट में, तो वो सबका जो रेगुलेटर है वो IRDA है। तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि जो भी आपके करंट प्लान है वो सब 31 जनवरी को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जो भी LIC ऑफ इंडिया प्लान को रिलॉन्च करेगी उसमें क्या बदलाव आएगा, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है रिवाइवल पीरियड, रिवाइवल ड्यूरेशंस की बात करें तो अभी करेंट प्लान जो है यानी 2013 के बाद जो LIC ने अपना प्लान लॉन्च किया है उसमें जो रिवाइवल ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, यानी 2 साल के अंदर आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। और 2013 से पहले की जो पॉलिसी है उसमें रिवाइवल ड्यूरेशन 5 साल था। अब दोस्तों जो 31 जनवरी के बाद यानी 1 फरवरी के बाद जो भी प्लान लॉन्च होगा LIC ऑफ इंडिया वो प्लान लॉन्च करेगी उसमें जो रिवाइवल ड्यूरेशन रहेगा वो 5 साल का हो जाएगा, यानी 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को चालू दोबारा से कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने पॉलिसी को 3 साल से पहले सरेंडर नहीं करवा सकते हैं। जो 31 जनवरी यानी से पहले का जो प्लान रहेगा वो 3 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा सकते हैं। और 1 फरवरी से जो भी LIC ऑफ इंडिया प्लान अपना रिलॉन्च करेगी उसमें जो सरेंडर करने का जो ऑप्शन रहेगा वो 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया जाएगा, यानी 2 साल के बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। ये कस्टमर के हित के लिए है और इससे जो एक पहला पॉइंट बताया था वो भी कस्टमर के हित के लिए है, क्योंकि 2 साल का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। कई जो कस्टमर होते हैं वो उनके पास फाइनेंशियल इतनी बढ़ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो 2 साल का समय ऐसे ही निकल जाता है। तो LIC ऑफ इंडिया और IRDA ने ऐसा गाइडलाइन तैयार किया है जिससे कस्टमर का बेनिफिट ज़्यादा होगा। यानी दूसरा पॉइंट है आप अपने पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर करवा सकते हैं। 3 साल से पहले जो करंट प्लान जो अभी है 3 साल से पहले आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा सकते और काफ़ी लोगों का पैसा उसमें फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है वो पॉलिसी को 3 साल से पहले सरेंडर ना करवाने से, उनके पैसे बहुत LIC ऑफ इंडिया में फंस चुके हैं। तो इसमें कस्टमर का बेनिफिट है, आप 2 साल के बाद जो भी रिलॉन्च LIC का जो प्लान होगा 1 फरवरी के बाद आप 2 साल के बाद अपने पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, यानी 2 साल के बाद आप पैसा LIC से निकलवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है यूली प्लान जो अभी करंट में जो भी LIC की यूली प्लान है उसमें क्या है कि आप 5 साल से पहले उस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा सकते हैं। और जो 1 फरवरी के बाद जो दोबारा से जो रिलॉन्च प्लान होगा उसमें आप 5 साल से घटा के उसको 3 साल कर दिया जाएगा, यानी 3 साल के बाद यूली प्लान को आप पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं 3 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, ये जो यूली प्लान होता है यूनिट लिंक पॉलिसियाँ होती हैं जो शेयर मार्केट वाली होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भी जो आपका ग्रोथ होगा वो मार्केट पे डिपेंड करता है, शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। ये 3 चीज़ मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। प्रीमियम की बात करें तो मे बी बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, तो वो जब प्लान जब रिलॉन्च होगा उसमें ही पता चलेगा कि कुछ प्रीमियम में ग्रोथ इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा। इसके बारे में भी मैं कुछ कह नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ परसेंटेज जो है वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। दोस्तों जो प्लान अभी करंट में है उसको थोड़ा सा नाम में परिवर्तन करके उसको दोबारा से उसी प्लान को मॉडिफाई करके रिलॉन्च LIC ऑफ इंडिया करेगी, क्योंकि अभी जो भी LIC के प्लान से बहुत खूबसूरत हैं, अगर आप अभी ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर आपके पास अभी फंड है, सरप्लस मनी है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ यही है जो सर्कुलर आया था इसमें कुछ ये बातें कही गई थी। तो ये बातें शायद जो आने वाले जो 1 फरवरी के बाद जो प्लान रिलॉन्च होंगे उसमें शायद यही देखने को मिल सकता है अपडेट्स। तो दोस्तों आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे आपके लिए।
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी कस्टमर के पास पहुँच जाए कि एल आई सी ऑफ इंडिया चाहे अदर इंश्योरेंस कंपनी अपने प्लान को क्यों क्लोज कर रही है। इसका रीज़न ये है कि IRDA ने जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि वो अपने प्लान को क्लोज़ करके उसको दोबारा से रिलॉन्च करें, मॉडिफाई करें। जब तक वो उस प्लान को IRDA पास नहीं करता तब तक वो प्लान लॉन्च नहीं होता। तो जितना जल्दी जो IRDA उस पर टिक करेगा वैसे वैसे प्लान LIC ऑफ इंडिया चाहे अदर इंश्योरेंस कंपनी उसको रिलॉन्च करेगी। तो दोस्तों घबराने की कोई गलती नहीं है। मे बी कुछ मैं एक चीज़ में कहना चाहता हूँ, प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है या लेवल पे रहेगा, डिक्रीज तो होने का कोई चांस नहीं है। प्रीमियम थोड़ा सा कुछ 5% में भी बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता, मैं इसके बारे में आपको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी भी तरह का आपको फाइनेंशियल्स एडवाइस लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल मत करिएगा तो बेटर रहेगा। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, उस नंबर को सेव कर लीजिए। किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए LIC से रिलेटेड तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा मैं। जुड़ने के लिए करना क्या होगा, वीडियो के नीचे आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों रिंग बेल का आइकन भी दिखेगा उसको बजा दें, इससे क्या होगा मेरा वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।